जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। समाज कल्याण विभाग से लेटर जारी। सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन 5100 जुलाई महीने में पेंशन में भारी बढ़ोतरी की थी। आपको बता दिया जाए कि बुजुर्गों के खाते में 5100 रुपये डालने के दे दिए बड़े आदेश। अब उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं कटेगी और ना ही रुकेगी। रुकी हुई पेंशन भी जितने महीने की है वो भी एक साथ जारी करने का ले लिया था बड़ा फैसला। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में मिलने वाली सामान्य राशि बुढ़ापा पेंशन में नायब सिंह सैनी ने 5100 रुपये देने का लिया था बड़ा फैसला। सभी बुजुर्गों के खाते में 2750 दे रहे थे पेंशन सीएम खट्टर, उन्होंने 2750 दी, लेकिन नायब सिंह आते ही पहले 3000 की बुढ़ापा पेंशन। लेकिन अब उनके दिमाग में आया बड़ा सवाल कि हरियाणा में प्रत्येक बुजुर्गों को 3000 में बुढ़ापा पेंशन में कुछ नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने आदेश जारी किया और कहा तत्काल उनके खाते में सीधा 5100 बुढ़ापा पेंशन डाली जाएगी। हरियाणा में लगातार 15 जुलाई से सभी के खाते में बुढ़ापा पेंशन डाली जा रही थी और ये हरियाणा में प्रत्येक बुजुर्गों के खाते में 30 जुलाई तक सभी के खाते में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, जुड़े रहे एडी न्यूज़ से। एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।